एसिड का डर रहता है तो हल्के हाथ से इसे करने से ना ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं अलग से बहुत ही अच्छा मिल्क बनाता, इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। मॉर्निंग गाइज, हैप्पी संडे। कैसे हो आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अभी 8 बज चुका है और मैं आप लोग को बाहर का वेदर दिखाती हूँ। पता है यहाँ भी सुबह सुबह ना ठंड लगती है। अभी मैं कुछ पहने नहीं हूँ जैकेट, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ठंड नहीं है, पर ठंड है। मैं हमेशा डोर बंद रखती हूँ तो हवा अंदर नहीं आती है, तो रूम थोड़ा हल्का हल्का गर्म रहता है, लेकिन बाहर ठंड है। चलिए मैं आप लोग को बाहर का पहले मौसम दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये डोर मैं हमेशा बंद रख रही हूँ आजकल, और इसे जैसे ही मैं खोलूंगी ना तो आप बाहर देख सकते हैं, एक तो हवा चल रहा है और आप वेदर देख सकते हैं यहाँ का एकदम ठंडा ठंडा। और पता है हवा में ना वो ठंड वाली जो खुशबू होती है ना, वो मुझे फील होती है, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। अपने घर साइड का ज़्यादा याद आने लगता है ये सब, क्योंकि बेंगलोर में ये सब कहाँ होता है। अभी यहाँ भी लेकिन ठंड पड़ रही है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी खेल रहे हैं लॉन टेनिस, आपको मैं बताती हूँ कौन है, रेड कैप वाला नहीं, उनके बगल में जो खेल रहा है ना वो मेरे हस्बैंड है। तो ये देखिए यहीं पे खेलते रहते हैं। वो मेरी हाउस हेल्पर छुट्टी पे है, एक्चुअली उसका तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी आज वो छुट्टी उसको चाहिए था पहले से ही। आज संडे है तो वो छुट्टी ले ली है, आज वो नहीं आएगी। मैं क्या करती हूँ ना कि रात में किचन बर्तन सब धो के ही सोती हूँ, तो आप देख सकते हैं किचन मेरा अच्छे से पूरा क्लीन है। सो फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया था कि जो ये किचन काउंटर है किचन का, इसे मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो जो विम लिक्विड डिशवाशर होता है ना, उसी से मैं क्लीन कर देती हूँ हर 2 से 3 दिन पे। वैसे तो पानी से भी ये नॉर्मल आप क्लीन करोगे ना तो साफ हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि खाना जब ज्यादा बनता है या फिर कुछ मसाले वाला खाना बनता है तो कुछ कुछ गिर ही जाता है स्लैब पे। तो वैसे में वो डिशवाशर से ही काम हो जाता है। ग्रीन वाला जो स्पॉन्ज होता है ना, उससे रगड़ देने से बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, जो भी पीला वाला हल्दी का दाग होता है अच्छे से निकल जाता है। इवन में जो हॉब है ना, ये भी मैं फेम लिक्विड डिशवाशर से ही क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन जो स्पॉन्ज है उसके लिए थोड़ा सा, या फिर आप पुराना स्पॉन्ज यूज किए जो बहुत ज्यादा शार्प ना हो, या फिर हल्के हाथ से इसे मैं रगड़ती हूँ और ये साफ हो जाता है, क्योंकि इस पे स्क्रेचेज का डर रहता है, तो हल्के हाथ से इसे करने से ना ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं अलग से कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं रखती हूँ कुछ भी चीज साफ करने के लिए। जो घर का सर्फ साबुन जो नॉर्मल सबके घरों में होता है ना, वही सब कुछ मैं यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, किचन तो मेरा साफ है ही, आप लोग देख सकते हैं, और मैं यूटिलिटी भी क्लीन कर ली थी। देखिए यूटिलिटी में जो बर्तन थे मैं रात में क्लीन कर ली थी, पर क्या है ना कि रात में सोते समय हम लोग दूध पीते हैं हल्दी वाला, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं ना कल ये कच्चा हल्दी लेकर आई थी। ये देखिए जो कच्चा हल्दी होता है ना, पहली बार लेकर आई थी, और कल इसी से मैं अपना मिल्क तैयार की थी। बहुत ही अच्छा मिल्क बना था, इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था दूध का। तो थोड़ा बहुत बर्तन है दूध वाला, तो उसे मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और आज संडे है तो बेड सारा चेंज करना, हस्बैंड खेल रहा है ना, मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले ये सब काम मैं फिनिश कर लूँ। वैसे तो मैं अपने हाउस हेल्पर को बोल के रखी हूँ कि हर 2 से 3 दिन में ये स्लैब रगड़ रगड़ के साफ कर दिया करे, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर आता है फ्रेंड्स, अगर नहीं साफ करेंगे ना तो वाइट वाइट हो जाता है टाइल से। और जब वो नहीं आती है, जिस दिन मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि सब कुछ हाउस हेल्पर के भरोसे छोड़ देंगे ना तो घर आपका उतना साफ नहीं दिखेगा। और ये फैक्ट है, कितना भी आप लोग बोलिए उन लोग को अच्छे से करने के लिए, करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह ही जाता है जो कि देखने में ठीक नहीं लगता है। तो मैं पीतांबरी पाउडर डाल के और अच्छे से रगड़ दी थी, तो पीतांबरी पाउडर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो भी ये सब सिंक वाला एरिया है ना, इसे ही मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। वैसे तो वो करती ही है, लेकिन मैं एक एक कोना अच्छे से देख देख के साफ़ कर लेती हूँ जिस दिन वो नहीं आती है। मेरी सोसाइटी में 2-3 लोगों से बातचीत होती है फ्रेंड्स, तो कभी कभी आना जाना भी हो जाता है। तो मैं देखी कि उनकी यूटिलिटी में टाइल्स काफ़ी वाइट हो चुका है, और ऐसा लगता है ना कि छुड़ाने पे भी वो नहीं छूटने वाला है। बहुत ज़्यादा जब गंदा चिपट जाता है ना, तो सच्ची बताओ उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रेगुलर बेसिस पे आप क्लीनिंग करते रहो ना, तो वो सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जहाँ हार्ड वाटर आता है वहाँ तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर तो अरेंज हो गया, इधर चाय भी मेरा हो चुका है, हस्बैंड खेल के आ चुके हैं गाइस, और आप देख सकते हैं चाय अच्छे से हो गई है। चलिए इसे हम फटाफट से छान लेते हैं।
चाय पूरा भर गया ऊपर तक। थोड़ा सा और पकता तो कम हो जाता। चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी और आ गई हूँ अभी पूजा करने, तो पूजा का बर्तन साफ कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले ना मैं ग्रीन वाले स्पॉन्ज से ये बर्तन साफ करती थी, पीतांबरी पाउडर से ही करती थी, पर ग्रीन वाले स्पॉन्ज से हेल्प से करती थी। तो मैं देखती थी ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके दाग निकलता है, लेकिन हाथों से जब से मैं कर रही हूँ ना, तो बहुत हल्के हाथ से बस रगड़ देने से जो भी काला वाला दाग होता है ना, बहुत आसानी से छूट जाता है। तो बहुत आसान हो गया है बर्तन साफ़ करना। और पता है, पहले ना पीतांबरी पाउडर में यूज नहीं करती थी, नॉर्मल जो बर्तन साफ़ करने वाला जो होता है ना, उसी से मैं साफ़ करती थी। तो बर्तन तो साफ़ हो जाता था, लेकिन जो शाइन है ना, वो नहीं आ पाता था। लेकिन जब से पीतांबरी पाउडर यूज कर रही हूँ ना, गजब का शाइन आ जाता है बर्तन में, बिल्कुल नया नया सा दिखने लगता है ये पूजा का बर्तन। सो गाइज, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और बना रही हूँ मैं गोभी का पराठा। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसकी रेसिपी शेयर की थी मैं। तो वैसे भी बहुत जल्दबाजी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। क्या है ना कि अर्बन क्लैब से बुलाई थी मैं फेसियल और वैक्सीन कराने के लिए, उसी के चलते मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट सोची तैयार कर लेती हूँ उसके आने से पहले। पर हुआ क्या ना कि मेरे हस्बैंड का नंबर दिया हुआ था बुकिंग में, मेरे हस्बैंड का मोबाइल हमेशा साइलेंट में रहता है, और वो मोबाइल चार्ज में लगा के टीवी देख रहे थे, और मैं किचन में थी, और वो आके कंटिन्यू फ़ोन कर रही थी और कोई पिक ही नहीं किया, 10 से 15 बार की होगी। उसके बाद क्या कि ना कि वो कैंसिल कर दी बुकिंग, और मैं यहाँ पे फटाफट से लगी हुई हूँ सब कुछ करने के लिए। और जब मैं खाने बैठी ना ब्रेकफास्ट, तब हस्बैंड बोलते हैं कि बुकिंग कैंसिल हो गया। तो पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं सोची थी आज संडे है तो सब कुछ करा लेती हूँ। बन गया पराठा, खा लीजिए, लगा देना खाना। चलिए भाई, खा लीजिए, उसके आने से पहले खा लीजिए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। और जो कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, आप लोग ये नहीं सोचेगा कि ये वही कपड़ा जिससे मैं यूटिलिटी क्लीन कर रही थी। कपड़ा वही है, पर ये अलग है और वो अलग था। और क्या ना कि जो गमछी होती है ना नहाने वाली, कॉटन वाली जो होती है, जब पुराना हो जाता है, तो मैं उस गमछी का यही सब यूज कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से हॉब हुआ, किचन काउंटर हुआ, अच्छे से क्लीन होता है। जो मार्केट से किचन टॉवल आते हैं ना, उससे साफ़ करती हूँ तो हॉब पे एक रोवा जैसा छूट जाता है। कितने भी अच्छे से साफ़ करो, एक रोवा जैसा छूट जाता है और किचन काउंटर पर भी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे क्लीन करना। आप लोग को शायद अजीब लग रहा होगा सुन के, लेकिन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इवन जो गंजी होती है ना हस्बैंड, जो पुरानी गंजी होती है, उससे भी मैं किचन काउंटर पोछने का काम करती हूँ। बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और दिन में मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, आज संडे था तो सोची आराम कर लेती हूँ, और पराठे से हमारा काम हो गया था दिन में। और मैं अभी बना रही हूँ डिनर, बना रही हूँ लिट्टी और चोखा बिहारी स्टाइल। तो एक बैंगन और 3 टमाटर को मैं इधर भून रही हूँ साइड से, और यहाँ पर मैं सत्तू रेडी कर ले रही हूँ। तो जो चना होता है ना भुना हुआ, उसी को पीसने से ना सत्तू बनता है फ्रेंड्स, तो उसी को सत्तू बोलते हैं। वैसे तो बिहार यूपी से जो बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो सत्तू में मैं डाली हूँ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया का पत्ता, थोड़ा सा मंगरेल, अजवाइन, आधा नींबू है, इसे मैं निचोड़ के डाल दूँगी। सत्तू में कुछ और जाएगा, जैसे कि स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आम का जो अचार होता है ना, उसका मसाला। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गाइस, मसाला हो ना किसी भी अचार का आप लोग ज़रूर डालिएगा, और आम का हो तो और भी अच्छा।
और साथ ही मैं इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। कच्चे सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सत्तू का, दूसरा तेल से उतना अच्छा नहीं आएगा। ऑथेंटिक फ्लेवर चाहते हैं ना बिल्कुल बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा का, तो सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे से मैं मिक्स कर ली थी, और ना आप टेस्ट कर लीजिएगा सत्तू को अच्छे से, हल्का खट्टा नमकीन तीखा सब होना चाहिए, चटपटा मतलब कि होना चाहिए। और साथ के साथ यहाँ पे मैं रेडी कर ले रही हूँ आटा, तो मंगरेला अजवाइन डाली हूँ, नमक डाली हूँ और 2 से 3 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो लिट्टी के लिए जो डो होता है हल्का टाइट होता है, जैसे पूड़ी के लिए डो लगाते हैं ना टाइट, वैसे ही इसका डो लगाना होता है। लिट्टी के लिए स्टफिंग तो हो ही चुका है, आटा भी मैं लगा ली हूँ, अब मैं फाइनल टच दे रही हूँ चोखा को। तो उसके लिए मैं ली हूँ 8 से 10 लहसुन, थोड़ा सा अदरक ली हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, और 4 हरी मिर्च, थोड़ा तीखा ही मैं बनाऊँगी। और इसे मैं कूट ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का दरदरा टेक्सचर ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं 3 आलू को मैं पहले ही बॉईल कर ली थी और सब कुछ मैं छील ली हूँ। पानी का यूज़ बिल्कुल ही मत कीजिएगा टमाटर और बैंगन छीलने में। और इसमें मैं 1 मीडियम साइज का प्याज डाल रही हूँ, भर के इसमें डालेंगे एकदम धनिया का पत्ता, और कूटा हुआ लहसुन अदरक मिर्च तो मैं डाल ही चुकी हूँ इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा नमक और सरसों का तेल। हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी सरसों का तेल ही जाएगा, कच्चा सरसों का तेल बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सभी को कर देंगे मिक्स। अब मुझे कमेंट आ सकता है कि आप हाथ का यूज क्यों कर रही हो, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये चोखा हाथ से ही मैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये बनेगा, और क्योंकि टमाटर और बैंगन है ना उसे हाथों से मैश नहीं करेंगे तो वो अच्छे से मैश भी नहीं होगा। तो चोखा भी बन गया, यहाँ पे मैं फटाफट से लिट्टी बना ले रही हूँ। तो इस तरह से कटोरी की तरह बना ले रही हूँ मैं पहले इसे, और इसमें डालेंगे स्टफिंग और अच्छे से इसे सील कर देंगे। आप चाहें तो सूखे आटे का भी यूज कर सकते हैं ये कटोरी जैसा जो मैं बनाई ना उस वो बनाने में, पर ये थोड़ा टाइट ही आटा होता है ना, तो सूखे आटे की वैसी ज़रूरत फील नहीं होती है। और ये देखिए अच्छे से मैं कैसे इसे सील कर रही हूँ, बस ये हो गया। तो ऐसे ही करके हम सारा लिट्टी बना के रेडी कर लेंगे। तो लिट्टी गढ़ने में ना थोड़ा समय लग जाता है, तो मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, टीवी चल रहा है यहाँ पे, टीवी भी देख रही हूँ और साथ के साथ हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रही हूँ। तो ये सब करते करते काम करो ना तो काम का पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। सो गाइस, आधा लिट्टी तो मैं गढ़ चुकी हूँ, आधा गढ़ना बाकी है। तो जो मैं गढ़ चुकी हूँ ना, सोच रही हूँ इसे मैं लगा देती हूँ कढ़ाई में, धीरे धीरे ये पकता रहेगा। और ना मैं इसे पहली बार कढ़ाई में पकाऊंगी, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसा रिज़ल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे 6 से 7 जो भी लिट्टी है मैं हल्का सा ऑयल लगा देती थी ताकि चिपके ना, और इसे कवर कर दी थी हर 2 से 3 मिनट में इसे मैं पलट रही थी आके। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और आपको पता है इतना ज़्यादा समय जा रहा था ना इसमें, आधे घंटे से ऊपर हो गया, और ये लिट्टी अभी भी धीरे धीरे हो ही रहा है। तो लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, और पता है 9 बज गया था, तो मैं सोची चलो एक बैच जो है ना इसे मैं ऑयल में फ्राई कर देती हूँ। तो जो लिट्टी फ्राई करते हैं ना, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म ऑयल में ही फ्राई करना होता है, और फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे इस तरह से हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई होके रेडी भी हो गया, और आप देख सकते हैं वो कढ़ाई वाली लिट्टी भी धीरे धीरे हो ही रही है। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात है कि बनी बहुत अच्छी थी, टेस्ट में कोई भी कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। लास्ट में मैं कढ़ाई में ही थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से इसे मिला दे रही हूँ, और सच में टाइम तो लगा था लेकिन यम्मी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और जो फ्राई करके बनाई वो तो अच्छी बनी ही थी, साथ में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग को जिस भी तरीके से पसंद आई हो लिट्टी की रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो ब्लॉग एंडिंग में यहीं पे कर रही हूँ, होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।